हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई पावरफुल वीडियो में। यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं यीशु को छोड़ दूंगी। देखिए, अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दिया, लास्ट में आपको रोना पड़ेगा। किसी ने हमसे कहा था कि ब्रदर जी, यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं तंगी से परेशान हूँ, गरीबी से, बीमारी से परेशान हूँ, यीशु मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मैं यीशु को छोड़ दूंगी। देखिए, हम यीशु मसीह में सिर्फ चंगाई लेने नहीं आते हैं मेरे प्रियजनों, कि हम चंगे हो जाएं और यीशु मसीह को छोड़ दें। अगर आप अभी किसी के दबाव में, किसी के बहकाने से, गांव वालों के डर से, घर के डर से, पति के डर से, माता पिता के डर से, भाई बहनों के डर से, अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दिया तो यीशु मसीह आपको लास्ट में छोड़कर चला जाएगा। लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आएगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा। पाप हमने किया, मजा हमने लिए और सजा यीशु मसीह को मिली। उसके मुंह पर थूका गया, उसको कोड़े लगवाए गए, उसके हाथों पैरों में केले ठोकी गई। अगर आप फिर भी यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो यीशु मसीह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। जब यीशु मसीह रैप्चर में आएगा अपने दूतों के साथ, जैसे निर्मया 10:10 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जात जात के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा, उन दिनों में लोग मृत्यु को मांगेंगे, फिर भी मृत्यु नहीं आएगी। अगर आप अभी यीशु मसीह को छोड़ दिया तो बाद में आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उन दिनों में जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, वे लोग पहाड़ियों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, हमें दबा लो, हमें मार डालो, हम जीना नहीं चाहते हैं। उन दिनों में लोग मृत्यु ढूंढेंगे, परंतु मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु उनसे दूर भागेगी। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दिया, तंगी में आके, परेशानी में आके, बीमारी में आके, अपने पति के डर से, घर के डर से, गाँव लोग के डर से, अगर यीशु मसीह को छोड़ दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे परिजनों, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा, जो पवित्र होगा, जो निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, मेरे प्रियजनों, ठीक है? आप दुख तकलीफ सह लो, दर्द सह लो, किसी के डराने धमकाने से मत डरना, यीशु मसीह को मत छोड़ना, ठीक है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:4 में लिखा हुआ है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। कौन? यीशु मसीह हम सभी की आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, जो हम लोग पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, ठीक है? गरीबी में जूझ रहे हैं, बीमारी में, तंगी में, परेशानी में जूझ रहे हैं, तो यीशु मसीह हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। नए यरूशलेम में, स्वर्ग में, वहाँ ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगी। ये पहली बातें बीत जाएंगी, जाती रहेंगी मेरे प्रियजनों, ठीक है? ईश्वर का वचन कहता है कि 21:8 में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारी और टोनों और मूर्तिपुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु, मेरे प्रियजनों, ठीक है? जो डरपोक, जो किसी के बहकाने से, डराने से डर जाते हैं, इस मसीह को छोड़ देते हैं, ठीक है? इन सभी का भाग उस धधकती आग में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु, मेरे प्रियजनों। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।